दोस्तों वेलकम यू टू स्टडी टाइम वंस अगेन। दोस्तों आज संडे हैं, जैसे कि मैं आपको बोला था कि संडे को स्पेशल क्लासेस है, तो मैं आज अपने माँ यानी कि धरती माँ मदरलैंड के बारे में, एक छोटा सा उड़ीसा के बारे में आज बात करने वाला हूँ, यानी कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग्स करता हूँ उस स्टेट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं हमारा प्यारा उड़ीसा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, तो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा हमारे उड़ीसा के बारे में। ओपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कोशिश करूंगा सबसे ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चलो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर मैं आप लोगों के लिए लगवाया हूँ, रसगुल्ला। रसगुल्ला के बारे में तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रसगुल्ला क्या है, चीज़ों के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि मदर एंड मदरलैंड इज़ डियरर टू हेवन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माँ और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बड़े होते हैं। तो चलो आज हम उसी स्वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक, ये देखिए हमारा प्यारा सा उड़ीसा है, और छोटा वहाँ पे भुवन है, यहाँ पे क्रोकोडाइल है, और छोटे छोटे पिक्चर्स लगाए हैं टुकड़ों में, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट में आ जाए। तो चलो ज़्यादा देखते हैं आगे क्या होता है चीज़ें। ये देखिए भितरकनिका यानी कि सनराइज हो रहा है, तो सनराइज की तरह ही हम राइज हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या टॉपिक है। तो मैं आज थोड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि अपने उड़ीसा के बारे में मुझे मौका मिला है आप लोगों के सामने बताने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और देखिए क्या बनता है कि हमारा जो उड़ीसा है उसका पहले हम यानी कि कोई भी चीज़ है उसका पास भी जानना चाहिए हम लोगों को। तो उड़ीसा के पास में बारे में, एक तो ओल्ड नेम उसका क्या था ना, उड्र, उत्कल, कलिंग, तिश्ला, उसके बाद कोशला, उसके बाद नाव, अभी उसे हम बोलते हैं ओडिशा, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भुवनेश्वर द कैपिटल सिटी ऑफ द होम ऑफ द ओवर 600 मैग्निफिसेंट टेम्पल इन द मेडिवल टाइम्स, इट इज़ कॉल्ड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि 600 से ज़्यादा मंदिर भी यहाँ पर मिलते जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा चीज़ और है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोनिस बर्गर यानी कि भुवनेश्वर का जो डिज़ाइन किए थे उसका नाम है कोनिस बर्गर, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए से इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल इज पुरी, जगन्नाथ टेम्पल इन द पुरी जहाँ पर है, वन ऑफ द फोर मतलब चार धाम से एक धाम ही है जगन्नाथ धाम, ठीक है। तो कभी मौका मिले तो आप भी घूमने जाना। तो आगे चलते हैं, और क्या क्या पॉइंट्स हैं ये देखिए। टेम्पल सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पिक्चर्स लगा दिया हूँ, आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट लग जाए तो अच्छा। वैसे भी आप लोगों को मूवी देखना बहुत पसंद होगा, यानी कि आप लोग सब मूवी देखने जा रहे होंगे, थिएटर जा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा थिएटर आज लेने जा रहा हूँ जहाँ की ओपन एयर है, यानी कि हवा आ रहा है चारों तरफ से, आप वहाँ पे मूवी देख सकते हैं। यानी कि मैं आपको बरगढ़ ले चल रहा हूँ, वहाँ पे धनु यात्रा होता है फेस्टिवल, यानी कि वो केंद्रपुरा साइड में ही है धनु यात्रा, वहाँ पे फेस्टिवल बहुत अच्छे से बनाया जाता है, यानी कि अराउंड ऑफ 5 किलोमीटर उसका रेंज होता है, 5 किलोमीटर के अराउंड से उससे ज़्यादा लगभग होता है कि धनु यात्रा फेस्टिवल ओपन एयर ओपन प्लेस में बनाया जाता है। तो उसके बाद आया लार्जेस्ट वेकिस वाटर, लार्जेस्ट वेकिस वाटर लेक इन ओडिशा, यानी कि चिलिका के बारे में बात करने हैं, यानी कि वेकिस वाटर यानी कि खारा पानी का जल, ठीक है। तो खारा पानी किसे कहा जाता है, जैसे कि आप 1 लीटर का सी वाटर ले लीजिए, सलाइन वाटर ले मतलब सॉल्टी वाटर ले लीजिए, और 1 लीटर का नॉर्मल वाटर लीजिए, और दोनों को मिक्स कर दीजिए, आपको वेकिस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है, ए 23 फीट जियंट स्टूडेंट क्रोकोडाइल इन द ओडिशा हैज बीन क्राउड क्राउंड एज द कौन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी कि 23 फीट सबसे बड़ा, यानी कि हम जो सोचते हैं कि हमारे ओडिशा में कुछ चीज़ें नहीं है जानने के लिए, तो बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मतलब मैं उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ, इसकी वजह से मतलब बहुत मतलब क्या उसे प्राउड फील करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं उड़ीसा में कि हम लोगों को अभी तक भी नहीं पता, ठीक है। कोशिश ये है कि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी देने के लिए, ठीक है। 23 फीट जियंट क्रोकोडाइल इन ओडिशा में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा यानी कि 23 फीट आज तक मिला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए थोड़ा उसका पिक्चर लगवाया हूँ, ये देख लीजिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये कितना अच्छा क्रोकोडाइल दिख रहा है, नहीं बहुत बड़ा है ये, मतलब लगभग एक दो गाय तो ऐसे भी वो निकल लेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें, आप जाएंगे तो उसका नाश्ता ही बन जाएगा, ओके। ये देखिए धनु यात्रा में जिसके बारे में बात कर रहा था, वरगढ़ फेस्टिवल है धनु यात्रा, आप उसको देख सकते हैं, ये रहे कंस मामू यानी कि कंस मामा जी हैं, ठीक है। धनयात्रा इन बरगढ़ फेस्टिवल, वहाँ पे आप ओपन एयर प्लेस में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, मतलब 7 कॉन्टिनेंट से एक कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया के बारे में बात करें, उसमें से सबसे लार्जेस्ट विलेज यानी कि सबसे बड़ा विलेज कौन सा है ना, भुवन, ठीक है। तो भुवन ऐसे भी आप याद रख सकते हो, भुवन में तो भुवन यानी कि घूमने जा सकते हो, हम कहाँ जा रहे हैं, भुवन घूमने जा रहे हैं, यानी कि वो कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में है भुवन जी, सबसे लार्जेस्ट विलेज इन द एशिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि
मदर एंड मदरलैंड इज डियर टू हेवन, यानी कि जितने सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो हेवन से भी तो कम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं। द चांदीपुर बीच इज अ हाइड एंड सीक बीच ऑफ द उड़ीसा दैट अपियर्स एंड डिसअपियर्स एवरी हाई एंड लो टाइड। ऐसे भी आप आइलैंड के बारे में थोड़ा बीच के बारे में बताना चाहता हूँ, वो कभी डिसअपियर हो जाता है और कभी आ जाता है। आप तो बचपन में ऐसे भी लुका छुपी का खेल खेले होंगे कि कभी कभी वो आ जाता है और कभी कभी छिप जाते हैं। तो ठीक उसी की तरह वो जब भी छिप जाता है, यानी कि वो पानी उसके ऊपर टोटल चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है ना, जब वो पानी जब निकल जाता है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पानी भी चला जाता है, और वो प्लेस में चांदीपुर में भी लगभग हम बहुत सारे मिसाइल ट्रेस करते हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्त, अभी हम रसगुल्ले के बारे में बता रहे हैं जा रहे हैं। तो रसगुल्ला, ठीक है, फेमस स्वीट ऑफ द रसगुल्ला ओरिजिनेटेड इन द उड़ीसा लगभग 2015 में हमारे पूरी, यानी कि जो जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं वहाँ पर भी भोग यानी कि प्रसाद लगाया जाता है। ठीक है, स्वीट रसगुल्ला। ठीक है अच्छा, अब हम आगे देखते हैं और चीज़ों के बारे में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। चांदीपुर बीच इज चांदीपुर बीच इन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। आपको पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है अच्छा, देखिए चांदीपुर इज ए बीच इन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा इंडिया में है। द बीच इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। एंड ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो चांदीपुर वाला है वो हाइड एंड सीक में जाता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन में एग्जाम पॉइंट से आ सकता है कि हाइड एंड सीक बीच कौन सा है, तो चांदीपुर बीच आप बता सकते हैं। अच्छा और हम आगे देखते हैं, ये देखिए आपका फेमस रसगुल्ला, तो थोड़ा थोड़ा आप भी खा लीजिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो जुड़े रहिए पूरा एंड तक वीडियो देखिए, आपको अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी जानने को मिलेगा, तो लगभग 10-15 मिलेगा। अभी हम 11 में है शायद, नहीं 10 तक में है। ठीक है और क्या रहा, देखिए हमारे जो यहाँ पे उड़ीसा में ना बहुत सारे ट्राइबल रहते हैं, और वो जो ट्राइबल है ना 62 डिफरेंट ट्राइबल हैं, यानी कि जो डिस्टिंक्ट किया गया है 62 डिफरेंट ट्राइबल है। उसके बाद छोटा सा जो कहते हैं ना कश्मीर, छोटा सा कश्मीर कहते हैं, मतलब जो अब अगर हम कश्मीर नहीं घूम सकते, हम उड़ीसा में एक दारिंगबाड़ी घूम जाएंगे तो कश्मीर से लगभग वो नियर अबाउट है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कभी अगर मौका मिले मुझे, तो अगर मौका मिले तो मैं पक्का जाने वाला हूँ। तो आप लोग कोशिश भी करिए कि आप लोगों को भी जाने के लिए घूम के आइए, तो बहुत आपको आसान लगता, मतलब बहुत मज़ा करने वाले हैं, मतलब वहाँ पर बहुत मस्ती करने वाले हैं। ठीक है हम कोशिश करते हैं कि मैं भी कोशिश करता हूँ कभी कभी जाने के लिए। ठीक है उसके बाद अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा गौर करने वाला टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी उड़ीसा का एग्जाम दो, ओपीएससी यानी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अगर क्वेश्चन देने वाले हो तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ उड़िया, हु इज़ द फादर ऑफ उड़िया, स्टिल आई एम बिलोंग्स टू ए उड़िया फैमिली एंड आई वॉज बॉर्न इन उड़ीसा। सो मुझे तो जानना, मतलब पहले से पता नहीं था पर कुछ दिन पहले ही पता चला, तो फादर ऑफ उड़िया मुझे पता है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, तो जान लीजिए कि फादर ऑफ द उड़िया गिव ए डिस्टिंग आइडेंट टू ऑल उड़ीसा, यानी कि फकीर मोहन सेनापति जी। ठीक है फकीर मोहन सेनापति जी, ये चीज़ आपको रट्टा होना चाहिए। ठीक है फकीर मोहन सेनापति जी, अच्छा ये देखिए मैं जैसे कि आप लोगों को अभी बता रहा था इस टॉपिक के बारे में, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ द उड़ीसा एज रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, टोटल 62 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन द उड़ीसा, आप देख सकते होगे तो 62 ट्राइब्स हैं, कुछ इस तरह से हैं। पिक्चर कुछ शानदार है और आपको अच्छा भी लगे। ठीक है अच्छा आगे चलते हैं और चीज़ें क्या क्या है, ये देखिए दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन इन द कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है। सभी क्वेश्चन बताए दारिंगबाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है हमारे उड़ीसा में। कितने फीट ऊपर है, यानी कि 3000 फुट अपर, पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, यानी कि आप घूम जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये हमारे मतलब आदरणीय फकीर मोहन सेनापति जी, जिसके चरणों में कोटि कोटि नमन है, तो उत्कल बैश्य कभी भी उन्हें कहा जाता है। ही वॉज इंडियन राइटर पोएट फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर, यानी कि उन्होंने बहुत कुछ काम करे हैं हमारे मतलब हमारे सोसाइटी के लिए। ठीक है ही प्लेड ए लीडिंग रोल इन द एस्टैब्लिशिंग द डिस्टिंक्ट एंड द इंडियन आइडेंटिटी ऑफ उड़िया, ए लैंग्वेज मेनली स्पोकन इन द इंडियन स्टेट, यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा। फकीर मोहन सेनापति जी वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि उनको फादर बोला जाता है उड़िया लैंग्वेज का। ठीक है तो मॉडर्न उड़िया लिटरेचर, फकीर मोहन सेनापति जी। उसके बाद ये देखिए ये एग्जाम पॉइंट है ओपीएससी यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि उड़ीसा के जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है व्हीलर नाम का एक आइसलैंड है, जो अभी हम कुछ दिनों पहले अब्दुल कलाम जी जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो गुजर चुके हैं, हम उनके उनके ऊपर ही ये बदला दिए हैं कि जो व्हीलर था हम उसे अब्दुल कलाम जी के नाम में बदल दिए हैं। तो वो कहाँ पर है, चांदीपुर में है। ठीक है द झारसुगुड़ा इज द हाइस्ट पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। द नेशनल फेस्टिवल होता है रथ यात्रा, बहुत दोस्तों को पता भी होगा रथ यात्रा भी घूमने गए होंगे। ठीक है जगन्नाथ धाम,
तो हम 13 यानी कि जो हुलर के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, ये देखिए पूरी जगन्नाथ धाम के बारे में यानी कि यथार्थ फेस्टिवल है। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या चीज़ है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड यानी कि जो फॉर्मर नोन एज द हुलर आइसलैंड, को कभी बोला जाता था हुलर आइसलैंड, इस आइसलैंड तो कोस्ट ऑफ द उड़ीसा यानी कि उड़ीसा कोस्ट में है, यानी कि 150 किलोमीटर दूरी के अंदर भुवनेश्वर यानी कि उसका जो कैपिटल है जिसको कोनिसबर्गर ने डिज़ाइन किया था, भुवनेश्वर से कितना है, 150 किलोमीटर की दूरी पर है। द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल, द टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन दिस आइसलैंड। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, द आइसलैंड इज ऑरिजिनली नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश कमांड लेफ्टिनेंट व्हीलर ऑन सेप्टेम्बर 14, 2015। द आइसलैंड वॉज रीनेम्ड आफ्टर टू द ऑनर्ड लेट इंडियन प्रेजिडेंट APJ अब्दुल कलाम, अबुल फकीर जलाउद्दीन अबुल कलाम। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, शायद और कुछ नहीं है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड होप यू एन्जॉय दिस टॉपिक, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, थोड़ा मुँह भी मीठा कर दीजिए रसगुल्ला से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि मतलब कुछ जीके इतना भी मतलब मुश्किल वाली बात नहीं कि आप याद नहीं रख सकते हो, बहुत आसान है, बस एक इंटरेस्ट होना चाहिए। बस मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बस मन में एक छोटा सा इंटरेस्ट डलवाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं मतलब मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर से और एक बार, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मदर एंड मदरलैंड इज डियरर टू हेवन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड होप एन्जॉय द संडे। ओके, टेक केयर, बाय।